Hi and to this with me, और इस में हम बात करने वाले हैं टॉप तो बी स्कूल्स के लास्ट डेट अप्लाई करने की मतलब उनके एप्लीकेशन फॉर्म की बात करने वाले हैं विदर प्लेसमेंट स्टैट्स गेट स्टार्ट तो आई होप यू गाइज डूइंग गुड राइट बिकॉज आई एम डूंग हम बात कर रहे हैं अगर आपको पता है कि आपके मॉक्स में आप छक्के लगा रहे हो मतलब यू स्कोरिंग क्वाइट गुड तो कौन से कॉलेज हैं जिनके एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए कि लास्ट डेट क्या है तो स्टार्ट करते हैं बट मैंने यहाँ पे कट ऑफ भी मैंशन किया है और प्लेसमेंट्स भी मेंशन किए हैं जिसमें सबसे पहला कॉलेज है ग्रेट लेक्स चेन्नई जिसकी लास्ट डेट जो है वो ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ नवंबर है मतलब अभी काफ़ी टाइम है आपके पास आप ग्रेट लेक्स चेन्नई के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसकी फीस जो है वो एटीन पॉइंट सेवन फाइव लाख का है वेर इज इसका एवरेज सीटीसी जो है वो ट्वेल्व पॉइंट फाइव का है नॉट ट्वेल्व पॉइंट फाइव प्लस का है और कट ऑफ जो है वो अराउंड नाइन्टी परसेंटाइल है ये कॉलेज सीमा आठ भी एक्सेप्ट करता है ये कॉलेज जो है वो कार्ड भी एक्सेप्ट करता है और आप इन सभी के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं देन वी हैव आईएमटी गाजियाबाद आईएमटी के तीन कैंपसेस हैं नागपुर है हैदराबाद है एंड है, गाजियाबाद जो है वो मेन कैंपस है 90 टू 95 फाइव जो है वो गाजियाबाद का कट ऑफ जाता है लास्ट डेट जो है वो नवंबर के लास्ट वीक में है 19 है 19 लाख का फी स्ट्रक्चर और 15 लाख के आसपास का इस कॉलेज का एवरेज पैकेज है अगेन आई एम टेलिंग यू दीज आर दी टॉप कॉलेजेस बट कई सारे बच्चे मेरे चैनल पे हैं जिनका स्कोर बहुत अच्छा नहीं रहेगा उनके माइंड में भी एक क्वेश्चन होगा मैम मेरा क्या राइट right, मेरा क्या यार तुम्हारा कोई नहीं मैं हूं यहाँ पे नीचे एक फॉर्म का लिंक भी दिया है जिसको फिल करके भी तुम कॉल रिक्वेस्ट कर सकते हो और अपने प्रोफाइल के बेसिस पे जान सकते हो कि कौन से कॉलेजेस को तुम्हारे तुम्हारी यू नो विश लिस्ट में या बकेट लिस्ट में या फिर किसी भी लिस्ट में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए तो उसके लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हो देन वी हैव निर्मा आनंद राइट निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद राइट तो अगर हम इसकी बात करें तो सेवनटीन के आसपास का फीस स्ट्रक्चर है 22 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की 10 लाख के आसपास का एवरेज है और अराउंड है, you know, है मतलब मैडम हमको तो अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में यू you नो know, अहमदाबाद में निर्मा यूनिवर्सिटी ही चाहिए मतलब मैं सही नहीं कर रही हूँ मेरी टोन वैसी नहीं है बट सुनने में बहुत अच्छा लगता है यू you नो know, एक तो महाराष्ट्री टोन एंड दूसरे गुजराती राइट गुझरा यू नो दे आर बिग पॉकेट के हिसाब से ही नहीं है राइट right? हर किसी को उतना स्कोर ही नहीं आता है. तो यू you नो know, इसका बहुत क्रेज मैंने स्पेशली गुजरात में बहुत देखा है बाकी पैन इंडिया बच्चे अमर सिंह की नहीं मांगते हैं बट स्टिल राइट गुजरात के बच्चे आर लाइक like,

Uh, मैं ऑलिसी बता रही हूँ अभी रिसेंटली हमारी इंजीनियरिंग uh, की काउंसिलिंग चल रही है एंड कुछ पेरे कुछ स्टूडेंट्स आते हैं जो सोच लेते हैं कि मुझे इंजीनियरिंग के बाद एम करना है और वो अभी कॉलेजेस देख रहे होते हैं पंद्रह बीस लाख फीस तो मैं उनसे ये सिंपली चीज़ बोलती हूँ यार देखो यहाँ पे तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा कितनी फीस है तुम ये सोच रहे हो मैं आई एम चली जाऊ चला जाऊंगा और वहाँ पे तुम्हारी यू नो एक लाख के आसपास फीस रहेगी ऐसा नहीं है वहाँ पे आई की फीस भी जो है वो बीस पच्चीस लाख रुपए है तो अभी पैसा बचाओ राइट ताकि बाद में तुम खर्च कर सको तो यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस है सभी काफी एक्सपेंसिव है 19 एक का फीस स्ट्रक्चर है लास्ट डेट अप्लाई करने की नाइन्थ ऑफ तो डिसम्बर है और 17 के आसपास का एवरेज पैकेज है 90 परसेंटाइल कट ऑफ जो है वो आई दिल्ली का भी है और यू नो एक्स आई एम बी का भी है देन वी हैव एम डी आई गुड़गांव नवंबर इज द लास्ट डे टू अप्लाई ये कुछ कॉलेजेस की एक्सटेंड होती है क्योंकि उनको पता है यार कई सारे बच्चे जो हैं वो काट के बाद जागते हैं राइट क्योंकि तो उनको नहीं पता होता है कि वो कितना स्कोर कर पा रहे नहीं कर पा रहे ट्वेंटी थ्री लाख यार वेरी एक्सपेंसिव वेरी एक्सपेंसिव वेरी एक्सपेंसिव एंड ट्वेंटी सिक्स लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है नाइन्टी फोर टू नाइन्टी सेवन परसेंट टाइल जो है वो कट ऑफ है नाइन्टी से नाइन्टी फोर आप मान सकते हैं एस पी जैन मुंबई पच्चीस नवंबर यार प्रोफाइल बेस कॉल देता है इसके लिए अप्लाई करो अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा टेंथ ट्वेल्थ यू नो ग्रेजुएशन शॉर्टेड है मतलब एक नंबर है तो डेफिनेटली तुम्हें इसके लिए अपलाई करना चाहिए ट्वेंटी लाख के आसपास का फीस है एल है थर्टी टू लाख का एवरेज है एट कट ऑफ है और अगर तुम प्रोफाइल बेस पे जा रहे हो एटी फाइव पे भी कॉल आ जाता है रजिस्ट्रेशन नॉट येट मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जितना पैसा लगाओगे उससे कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब बहुत ही कम फीस है टू लाख प्लस का फीस परसेंट टाइल भी जो है कट ऑफ है अभी I mean, अच्छा कॉलेज है देन यू हैव नीटी मुंबई राइट रजिस्ट्रेशन नॉट स्टार्ट फिफ्टीन लाख का फीस स्ट्रक्चर है ट्वेंटी फाइव लाख के आसपास के एवरेज है नाइन्टी सेवन परसेंटाइज है एस डी ए बॉकनी इज नॉट इन द टॉप कॉलेज लिस्ट राइट ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई गूगल पर सर्च कर लेते हैं देन उसके बाद कॉलेज कर देते हैं तो मैं पहले बता दूँ क्योंकि यहाँ पे uh, मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी मैं जब भी कोई कंटेंट राइटर हायर करती हूँ मैं उनको टॉपिक देती हूँ वो हमेशा वो टॉपिक पे कॉलेजेस गलत ही लिख कर लाते हैं क्योंकि तो वो भी गूगल पे रिसर्च कर रहे होते हैं तो आप इस चीज को समझो कि गूगल इज अ सोर्स वहां पे बहुत सारी कंपनीज हैं प्रमोट कर रही हैं अपने कॉलेजेस को रियलिटी चेक बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम्हें अपने करियर के साथ बिकॉज ये तो सारे टीयर वन कॉलेज है यार मतलब थोड़ा बहुत पंद्रह की जगह चौदह लाख का एवरेज लग गया तेरह लग गया फिर तुम संतुष्ट हो राइट right? बट जैसे ही ये कैटेगरी में नीचे कॉलेजेस जाते हैं वैसे ही जो खतरे के घंटे हैं ना वो बहुत जो है ना लाइक स्पॉटेड हो जाती है कि मतलब अगर तुमने वहां पे गलती की तो फिर दो साल बाद पछताओगे तो कॉलेजेस के लो कोई हेल्प चाहिए तो नीचे का फॉर्म फिल करके सकते हो जेम्स के आसपास फीस है जहां पर अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा नहीं है बहुत अच्छा है तो तुम अप्लाई कर सकते हो तुम स्पोर्ट्स में नेशनल इंटरनेशनल खेले हो तुम अप्लाई कर सकते हो तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं तो ये था वीडियो आई होप यू लाइक डिट ऐसे किस तरह के वीडियोस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं ये मैं क्या बोल रही हूँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो बाकी डिन नॉट फोर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आई होप यू लाइक दिस वीडियो फॉर मोस्ट सच वीडियोज कीप वॉचिंग चैनल एंड सब्सक्राइब